और नीरज मिश्रा जी, अभी अभी खबर आई है सूत्रों के हवाले से, बड़ी आप ज्यादा बता पाएंगे, क्या ये फोन मल्लिकार्जुन खड़गे का नीतीश कुमार के लिए इसीलिए गया था? वो 7 महीने बाद दिल्ली आए हैं, 1 बजे मुलाकात हो रही है सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से। खबर बड़ी ये है कि यूपीए का संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। विपनेश जी, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको जरूर ये कह सकता हूं कि देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं भाजपा को छोड़ के, वो सब मानती हैं कि देश के अंदर जो महंगाई का आलम है वो आसमान छू चुका है, जो बेरोजगारी है वो एकदम अपने चरम पर है, देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, जो चाइना के मुद्दे पर जो भाजपा आज बोलने के लिए तैयार नहीं है कि चाहे वो चाइना हमारे देश में घुसा हो, चाहे वो चाइना के जो लोग हैं जो अडानी के साथ काम करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड चला रहे हैं, उस पर सारे पार्टियों के लोग एकजुट हैं सिर्फ भाजपा को छोड़कर, और अडानी की कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपए किस या तो नेता के हैं या किसी तस्कर के हैं या किसी हवाला ऑपरेटर के हैं या किसी ड्रग्स के कारोबारी के हैं, ये सवालों के ऊपर देश की सारी पार्टियां एकजुट हैं सिवाय भाजपा के। और विपक्षी एकता की बात जो हम लोग बार बार करते हैं, हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये जो भाजपा की सरकार एनडीए के नाम से चुनाव लड़के बनकर आई थी, आज उसके सारे घटक दल इसको छोड़कर जा चुके हैं। और जैसा कि राजीव जी कह रहे थे कि हो सकता है कि ये लोग जाएंगे और सिर्फ बिहार को छोड़कर कहीं और किसी घटक दल के साथ नहीं होंगे, तो उसकी वजह क्या है कि भाजपा को उन घटक दलों ने छोड़ दिया, भाजपा ने उनको नहीं छोड़ा। और पूरे देश में जो स्थिति है विपनेश जी, वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि राजनीतिक एकीकरण की जो बात विपक्ष कर रहा है उससे ज्यादा जरूरत भाजपा को है, क्योंकि भाजपा के जो वादे थे और जो इनके इरादे थे वो दोनों ठप हो गए। इस पर तो मैं अनिला सिंह से जवाब ले लूंगी कि सारे घटक दल उनको छोड़कर क्यों चले गए, अब उनकी जरूरत भी है बीजेपी को या नहीं। लेकिन मैंने सवाल आपसे किया कि क्या नीतीश कुमार को यूपीए में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? विपनेश जी, पूरा देश जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार का एक लंबा चौड़ा एक राजनीतिक सफर रहा है जिसमें उन्होंने देश की प्रगति के लिए काफी सारे काम किए, और क्योंकि हम लोग बिहार की जो सरकार है उनके साथ चला रहे हैं और वो सरकार अपने वादों पर, अपने इरादों पर, अपने मुद्दों पर तटस्थ खड़ी हुई है। अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़कर यूपीए के अंदर उनकी कोई जिम्मेदारी तय होती है तो सब लोग मिलकर इसका स्वागत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।